इस समय हांगकांग में जेजेके का एग्जीबिशन चल रहा है, जिसके अंदर गेगे ने कई सारे फैंस के क्वेश्चंस का आंसर दिया है। हमें जेजेके स्टोरी से रिलेटेड कई सारे फैक्ट्स के बारे में पता चला है। स्टार्ट में मेगुमी मेन कैरेक्टर होने वाला था, और हमें गेगे ने कई सारे ड्राफ्ट भी बताए हैं, जैसे कि ये ड्राफ्ट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करने वाले जेजेके के मेन कैरेक्टर युता, गोजो। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि माहितो वर्सेस इतादोरी की जो फाइट हुई थी, वहाँ पर स्टोरी बहुत ज्यादा सीरियस टर्न लेती है, और गेगे ने इस सबको ड्रॉ करते टाइम क्या सोचा था, और इस चीज का आंसर गेगे बहुत अच्छी तरीके से देता है। हाँ, अच्छी तरीके से ये कहता है कि उसने इतादोरी और माहितो की बैटल को पहले से सोच लिया था कि वो शिबुया हाथ में जाकर खत्म होने वाली है, और इस चीज का जो ट्रिगरिंग पॉइंट होने वाला था वो था नानामी की मौत। ये आइडिया शिबुया को लिखने के पहले से था, और फिर गेगे कहता है कि द फैक्ट दैट नानामी स्टोरी के इस पॉइंट के भी जिंदा था, ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होल्ड करती। फिर गेगे हमें बताता है कि नानामी उसका फेवरेट कैरेक्टर था, हाँ सच में, और गेगे को ऐसा लगा कि नानामी को इस पॉइंट तक जिंदा रखना हम रीडर्स को धोखा देना होगा। हाँ, धोखा देना। और इसी तरह सेम नोबारा का भी है, और गेगे ने सोचा था कि नोबारा को मारने के पहले वो नोबारा को एक शाइनिंग पॉइंट जरूर देगा, जो कि था माहितो के क्लोन से उसे लड़ाना, और फिर माहितो की हाथ से उसे मार देना, क्या शाइनिंग पॉइंट। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है कि नानामी वर्सेस माहितो की जो बैटल थी उसके अंदर गेगे कहा था कि ये बहुत ज्यादा सरप्राइज लगा कि नानामी इस समय तक ये स्टोरी में जिंदा रहा। इस बात को जरा डिटेल में समझाना, ये क्वेश्चन था फैन का, और इसका गेगे ने आंसर दिया है कि एक कैरेक्टर की वजह से पूरी स्क्रिप्ट को बदलना अच्छा नहीं था, वो भी चाहता था कि नानामी इस पॉइंट पर मरे नहीं। फिर गेगे कहता है कि अनहोनी को कोई टाल नहीं सका, उसने इसे ऐसा सोचा कि इस वजह से इतादोरी को कुछ शाइनिंग पॉइंट मिलेगा, मतलब हमारे साइड कैरेक्टर को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा, सॉरी मेन कैरेक्टर। तो अब इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं जो हमें इस एग्जीबिशन में मालूम पड़े हैं। हमारी स्टोरी में ओरिजिनली जो मेन कैरेक्टर होने वाला था वो था मेगुमी। हाँ, मेगुमी मोर लाइक चाहता था कि मेगुमी की बहन को और थोड़ा ज्यादा स्क्रीन पर समय मिले, कि वो चैप्टर वन से स्टोरी में रहे, लेकिन इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया मीटिंग में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता, इसलिए गेगे ने इसे नहीं लिखा। अब जो हमारा फाइनल फैक्ट होने वाला है वो थोड़े स्पॉइलर्स आपको दे सकता है, क्योंकि ये काशिमो से रिलेटेड है, जो अभी तक एनिमे में नहीं आया है। काशिमो को बेसिकली एक साइकोपैथ या सीरियल किलर जैसा इमेजिन किया गया था, जो कि उसके साथ में एक साइट लेके घूमता है, हाँ ये वाला, जैसे हिडान लेके घूमता है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और ये तुम्हारी वॉच लिस्ट के सारे एनिमे खत्म हो चुके हैं, तो इस वीडियो को क्लिक करो जिसमें मैंने तुम्हें तीन बहुत बड़े एनिमे बताया, जो तुम एक दिन में बिंज वॉच कर सकते हो।